नमस्कार बच्चों इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास नाइन्थ एस एस टी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर थर्टी सेवन ये आपकी सेवंथ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की वर्कशीट रहेगी आज की इस इजी वर्कशीट में हम सिविक्स पोल साइंस के फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी को रिवाइज करने वाले इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था हमने समझा था डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं इस वर्कशीट में हम डेमोक्रेसी के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उन्हीं पर बेस्ड रहेंगे कुछ ईजी क्वेश्चन जो इस वर्कशीट में दिए गए जिन्हें हमें सॉल्व करना है लेट्स बिगिन चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की सबसे पहले हमें समझना कि डेमोक्रेसी होती क्या है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल सिंपल सी बात है डेमोक्रेसी क्या होती है एक टाइप की गवर्नमेंट होती है और उसमें रूलर्स को गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करते हैं लोग जनता हम सभी इलेक्ट करते हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री ओके तो इसमें गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है हम इलेक्ट करते हैं तो ये डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल यानी कि रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है इसमें सिर्फ हम इलेक्ट ही नहीं करते बल्कि उनको चेंज भी कर सकते हैं इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट हम चूज भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे इलेक्शन होते हैं रेगुलर इंटरवल के ऊपर इलेक्शन होते हैं डेमोक्रेसी में तो अगर हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो उसको हम चेंज कर देंगे कैसे उसको हम वोट नहीं देंगे और अगर कोई गवर्नमेंट अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तो उसको हम रिपीट कर देंगे जैसे दिल्ली में केजरीवाल सर की गवर्नमेंट है उसको हमने रिपीट कर दिया उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली में उसको हमने थ्री टाइम्स रिपीट किया क्योंकि हमें लग रहा था कि वो अच्छा काम कर रही है ओके तो डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल जिसमें लोग हैं वो अपने शासकों को अपने रूलर्स को चुनते हैं इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट हम चूज भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंकन की definition है कि डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल फॉर पीपल एंड हिंदी में कहें तो ये जनता का, जनता जनता का, के लिए, द्वारा शासन है. ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का लोगों का कैसे क्योंकि गवर्नमेंट को हमने चुना है हमारा हो गया ना हमारा रूल हो गया किसके लिए फॉर द पीपल हमारे लिए किसके लिए चुना गवर्नमेंट को खुद के लिए चुना है पीपल हमारे द्वारा कैसे क्योंकि जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं वो एलियन या फिर मार्स प्लानिट से थोड़ी आए हैं हमारे बीच में से हमने चुने ना तो इसलिए इसको हम डेमोक्रेसी क्या है इस द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल भी कह सकते हैं तो डेमोक्रेसी आपको क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेसी है क्या इसको आप हिंदी में लोकतंत्र कहेंगे लोकतंत्र भी दो शब्दों से मिलकर बना है लोक जमावित तंत्र लोक का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है शासन यानी कि लोगों की सरकार है उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे तो हमने पिछली वर्कशीट में डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स की बात की थी यहां पर दो और इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू यानी कि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास एक वोटिंग राइट होना चाहिए एक वोट का राइट होना चाहिए और उसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए यानी कि वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू एक पर्सन वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए तो इसमें इंडिया की बात करें तो वी हैव द सेम राइट्स हमारे पास है ये फीचर है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का इन इंडिया वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होता है अपने यहाँ पर हर किसी को वोट डालने का राइट है तीन कंडीशन होती है जो भी पूरा कर सकता है उसको वोटिंग राइट मिल जाता है और हर एज मस्ट अबोव एटीन ईयर्स यानी कि उसकी एज है वोटर की कितनी होनी चाहिए 18 या फिर अबोव 18 इयर्स होनी चाहिए सेकंड ही मस्ट बी ही और शी मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए यानी कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश वाले आके कहेंगे हमें वोट डालना है तो वो नहीं हो सकता इंडियन सिटीजन होना चाहिए उसके एज मिनिमम एटीन ईयर्स या अबो एटीन ईयर्स होनी चाहिए और थर्ड ही मस्ट नोट बी बैंक्रप्ट और द लूडिटिक वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए अदरवाइज अगर ये कंडीशन पूरी करता है तो उसको वोटिंग राइट right मिलता है ओके okay, यानी कि हमारे यहाँ पर किसी भी विस्ट पे चाहे वो कास्ट हो रिलीजन हो रीजन हो लैंग्वेज हो जेंडर हो कल्चर हो कलर हो किसी भी बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता सबको एक समान वो डालने का राइट मिला है, और साथ साथ वन पर्सन वन वोट के साथ साथ वन वैल्यू भी है इट मीन्स दैट आपके पेरेंट्स हैं जो हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हमारी वोट की वैल्यू और मोदी सर के वोट की वैल्यू एक बराबर होगी हमारी वोट की वैल्यू और केजरीवाल सर के वोट की वैल्यू एक बराबर होगी हमारे वोट की वैल्यू और अंबानी अडानी के वोट की वैल्यू एक बराबर होगी ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा तो उनकी वोट टेन थाउजेंड काउंट होंगे ऐसा नहीं हो सकता सबके एक बराबर है तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का कि इन डेमोक्रेसी द पीपल हैव वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू राइट यानी कि एक पर्सन एक व्यक्ति एक वोट और एक ही उसका मूल्य होता है सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी में अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट कि जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कंस्टिट्यूशन यानी जो कानून का शासन होता है यानी कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता चाहे वो मंत्री हो चाहे वो संतरी हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो वो उससे बड़ा नहीं हो सकता ना हम हो सकते वी हैव टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून है उसी के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन करना होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना वर्क करना होगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है तो इससे भी डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कोई अपने अकॉर्डिंग अपने लॉज को नहीं बना सकता नहीं बना सकता ना तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का तो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की इन डेमोक्रेसी वी हैव द वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू एंड सेकेंड फीचर्स इन डेमोक्रेसी वी हैव द रूल ऑफ लो कानून का शासन होता है ठीक तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट में जिनको हमें सॉल्व करना है तो यहां पर फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कोर्फ अपने इंडिया में भी पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस है लोकसभा एंड दर राज्यसभा ऐसे ही चाइना में भी पार्लियामेंट है अब उस चाइनीज पार्लियामेंट को क्या कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं संसद बोलते हैं ना तो चाइनीज पार्लियामेंट का नाम हमें बताना है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया नेशनल पीपल्स कांग्रेस सेकेंड ऑप्शन है पार्लियामेंट ही उसको कहा जाता है थर्ड ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसको बोला जाता है फोर्थ ऑप्शन है पीपल्स कांग्रेस तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज पीपल्स कांग्रेस उसको पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है करेक्ट उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपका सेकेंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया गया यहां पे दिया गया था चाइनीज पार्लियामेंट हैज़ नियरली डे मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना चाइनीज पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं हमें ये बताना है तो फर्स्ट ऑप्शन है टू थाउजेंड सेकेंड ऑप्शन है थ्री थाउजेंड थर्ड ऑप्शन है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फोर्थ ऑप्शन है थर्टी फाइव हंड्रेड करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी थ्री थाउजेंड मेम्बर्स है वो इलेक्ट होते हैं इंडिया की कंपेयर करें तो इंडिया के लोकसभा में फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री मेम्बर इलेक्टेड होते हैं यानी चाइना में हमसे कहीं कई गुना ज्यादा मेम्बर्स से वो इलेक्ट किया जाते हैं तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन है अगेन फिलिंदा ब्लैंक से मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी डेज ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेजिडेंट मैक्सिको है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जो अमेरिका यूएसए उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है हमें बताना है कि मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद इलेक्शन होते हैं जैसे इंडिया में कितने वर्षों के बाद होते हैं फाइव ईयर्स के बाद ओके okay. तो फाइव ईयर्स के इंटरवल के बाद इलेक्शन इंडिया में होते हैं तो मैक्सिको में कितने ईयर्स के बाद होते हैं यह हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए गए फर्स्ट ऑप्शन है फाइव ईयर सेकेंड ऑप्शन है सिक्स ईयर्स थर्ड सी ऑप्शन दिए गए फोर ईयर्स एंड डी ऑप्शन दिए गए थ्री ईयर्स तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी सिक्स ईयर्स ओके okay. तो यहां पे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर डी था पीपल्स कांग्रेस सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर बी था थ्री थाउजेंड और थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी सिक्स नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप यहां पे एस्टोनिया क्या है एक कंट्री है ठीक एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट एस्टोनिया में सिटीजनशिप के रूल्स कुछ ऐसे बनाए गए कि जो रशियन बोलने वाले जो लोग हैं जो माइनॉरिटी में वहाँ पे उनकी संख्या कम है कि उनको एक राइट नहीं मिल पाता बड़ी मुश्किल होती है उस राइट को मिलने में ठीक कौन सा वो हमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक राइट्स उनको नहीं मिल पाते सेकेंड ऑप्शन है राइट टू वोट उनको ईजिली नहीं मिल पाता थर्ड है राइट टू वोट फॉर वीमेन उनको नहीं मिल पाता फोर्थ है ऑल ऑफ द वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी वहां पर राइट टू वोट है वो उनको इजिली नहीं मिल पाता यानी कि वहां पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है ऑस्ट्रेनिया में इट मीनस उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते नहीं कह सकते ना क्योंकि वहां पर सभी लोगों को इक्वल राइट वोटिंग राइट्स नहीं मिला हुआ तो वहां पर रशियन जो माइनॉरिटीज है उनको इक्वल राइट टू वोट है वो इजिली नहीं मिल पाता तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स जिम्बावे लीडर डेस रूल द कंट्री राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इसमें से जिम्बाबे के एक लीडर को हमें आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने आज़ादी के बाद से देश के ऊपर रूल किया है ठीक बाय हु कोरिया बाई क्रूक किसी भी तरीके से किया होगा फर्स्ट रोबर्ट मुगाम्बे, है रॉबर्ट मुगाबे सेकेंड ऑप्शन है जॉन बेटन थर्ड ऑप्शन है बीन अकेबे फोर्थ ऑप्शन है गोटेन जोगब तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा रॉबर्ट जो मुगाबे है वो जिम्बाब्वे के लीडर हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद से कंट्री के ऊपर वो रूल करते रहे हैं ओके तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड नो वोटिंग राइट्स फॉर वीमेन टिल 2015 कौन सी कंट्री है जहाँ पर 2015 तक वीमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए थे फोर ऑप्शन दिए गए फर्स्ट ऑप्शन है चाइना सेकेंड वन इज द इंडिया थर्ड वन इज सऊदी अरबिया फोर्थ वन इज़ द नेपाल करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा सऊदी अरबिया में टू तक जो वीमेन है उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे 2015 में पहली बार उन्होंने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में वोटिंग राइट right को यूज़ किया था यहाँ पे फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा फिफ्थ का आपका ए रहेगा और सिक्स का आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी सऊदी अरेबिया तो ये थी हमारी आज की ईजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर तो आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आपकी क्लास नाइन्थ सोशल साइंस एस एस टी के जितने भी चैप्टर्स हैं टोटल चैप्टर्स हैं उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज है ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं इसमें आपके वन मार्कर थ्री मार्कर फाइव मार्कर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं मैफक अलग से डिस्कस कर चुके हैं तो ये आपके वो क्वेश्चन sure है जो श्योर हैं अगर आपको नाइन्टी फाइव प्लस स्कोर करना है तो अगर इन क्वेश्चन को देख लोगे तो आप ईजिली स्कोर कर पाओगे अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर फाइंड आउट कीजिए क्लास नाइन सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर आपको ये चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय बाय हैव है नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में